नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु मलिक। और चलिए अब रुख करेंगे आज की कुछ खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अफ्रीकी देशों की यात्रा के तहत गुरुवार को मोजाम्बिक पहुंचे और मोदी का यह दौरा इस महाद्वीप के साथ संबंधों को मजबूत करने, खासकर आर्थिक रिश्तों और लोगों से लोगों के बीच संबंध को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। मोदी के मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो पहुंचने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप के ट्वीट किया, मापुतो में एक सुबह एक अफ्रीकी सुबह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के पहले चरण में मोजाम्बिक पहुंचे। आपको बता दें कि मोदी की यात्रा का मकसद इन देशों के साथ हाइड्रोकार्बन, नौवहन सुरक्षा, कारोबार और निवेश तथा कृषि एवं खाद्य क्षेत्र में सहयोग को गहरा करना है। और देश भर में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। केरल और जम्मू कश्मीर में बुधवार को ही ईद मनाई जा चुकी है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में गुरुवार को ईद की धूम है। ईद के मौके पर देशवासियों को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। देखिए एक रिपोर्ट। ईद का चांद नजर आने के बाद देश भर में ईद की नमाज अदा की जा रही है। मुस्लिम समाज के लोग एक दूसरे के गले मिलकर ईद उल फितर की बधाई दे रहे हैं। देश भर में ईद को लेकर कई नेताओं ने भी शुभकामनाएं दी हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के इस सबसे बड़े त्योहार ईद के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मोदी ने अपने संदेश में कहा कि ईद का यह त्योहार आपके जीवन में खुशियां लाए और शांति और सौहार्द की भावना मजबूत हो। वहीं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने संदेश में कहा कि रमजान का यह पवित्र महीना समाज में खुशियों के साथ सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश लेकर आता है। मैं भाइयों और बहनों को इस मौके पर शुभकामनाएं देता हूँ। और पड़ोसी देश बांग्लादेश में ईद की नमाज के दौरान धमाका हुआ है और इस धमाके में 12 लोगों के घायल होने की खबर है। धमाके में एक पुलिस वाले और एक हमलावर के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। और जहां यह धमाका हुआ है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 80 किलोमीटर की दूरी पर है और यह धमाका बांग्लादेश में ईद के सबसे बड़े आयोजन के दौरान हुआ। घटना बांग्लादेश के किशोरगंज जिले में हुई। हमले की वजह का अभी तक पता नहीं लग पाया है। बता दें कि ढाका हमले के महज 6 दिन बाद ही यह धमाका हुआ है। गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने राज्य मंत्री बनाए गए विजय गोयल और संजीव बालियान का अपने आवास पर तिलक लगाकर स्वागत किया। और भारती ने अपने आवास पर जब सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी के साथ गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत 300 करोड़ रुपए की शुरू होने वाली परियोजना के संबंध में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। नितिन गडकरी ने कहा कि गंगा की सफाई के लिए उमा भारती का मंत्रालय अच्छा काम कर रही है। उमा जी के मंत्रालय ने और उनके अधिकारियों ने बहुत मेहनत और परिश्रम करके अविरल और निर्मल गंगा का जो नमामि गंगा हमारा प्रोग्राम है उसका प्लानिंग अच्छी तरीके से किया है। आपको पता है कि गंगा में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो निर्मल गंगा की है और गंगा को जल प्रदूषण से मुक्त करने के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छी योजना बनाई है। साथ साथ इसी प्रकल्प से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि अनेक जगह पर मोक्षधाम की व्यवस्थाएं करना जिसका कारण हम गंगा में कोई डेड बॉडी को जलाकर गंगा में न डालें, उसी के साथ साथ जो घाट है उसका कंस्ट्रक्शन करना, उसे ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ अलग अलग प्रकार का प्लान किया है उसको इम्प्लीमेंट करना। अक्टूबर एंड आते आते आ जाएगा जिसमें कि हम 100 जगह पर छोटे छोटे नालों को टैप करने के तुरंत परिणाम दिखाने वाले छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी हम लगा रहे हैं जिससे कि छोटे नाले क्योंकि जो लिस्टेड नाले हैं। मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है और अनुप्रिया ने राज्य मंत्री की शपथ ली है। उनके मंत्री बनने से उनकी पार्टी और परिवार में तूफान खड़ा हो गया है। अपना दल ही मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल को जैसे ही मोदी सरकार ने मंत्री बनाया
उसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया। अनुप्रिया के मंत्री बनने के बाद उनकी पार्टी और परिवार में तूफान खड़ा हो गया है। वहीं अनुप्रिया की मां कृष्णा पटेल का कहना है कि जो मां की नहीं हुई वो मोदी की क्या होगी, वो मेरी पार्टी में नहीं है, उनके बारे में क्या बात करना, मैंने उन्हें पिछले साल ही निकाल दिया था। और साथ ही कहा है कि बीजेपी ने जिस लालच से उन्हें जोड़ा है वो जल्द ही साफ हो जाएगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से नाराज कर्मचारियों के बीच हुई बातचीत के बाद 11 जुलाई से होने वाली हड़ताल को टाल दिया गया है और वेतन आयोग की सिफारिशों में बदलाव को लेकर सरकारी कर्मचारियों की मांग पर सरकार की एक उच्च स्तरीय कमेटी विचार करेगी। और आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर ये आश्वासन दिया। सरकार के आश्वासन के बाद कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल को टालने का फैसला लिया। जयपुर के टोंक रोड स्थित एक होटल में फॉल्स सीलिंग गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 30 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के वक्त हॉल में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिनमें करीब 40 लोग मलबे के नीचे दब गए। और जयपुर के टोंक रोड पर स्थित होटल बिलाकासा की तीसरी मंजिल पर जस्मीन हॉल में मुंबई से आए एक परिवार का समारोह चल रहा था। खाने के प्रोग्राम के दौरान हॉल की फॉल सीलिंग ढह गई, जिसके बाद होटल प्रशासन ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके बाद आपदा प्रबंधन की टीम और एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर सभी मलबे में दबे लोगों को मलबे से बाहर निकाला। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस हादसे के पीछे के कारणों का पता लगा रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से सांसद और मोदी मंत्रिमंडल में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कृष्ण राज ने अपना पदभार संभाला है और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी ने मुझे मंत्री बनाया है, हम जिम्मेदारी से अपना काम करेंगे। कृष्णा राज ने यह भी कहा कि आगामी 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सिर्फ बीजेपी की सरकार बनेगी। हमको मंत्री बनाया है, हम जिम्मेदारी से काम करेंगे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनने जा रही है, बस इतनी सी बात। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी कमलनाथ द्वारा ली गई कांग्रेस नेताओं की मीटिंग के बाद अब कांग्रेस के दूसरे नेता भी पार्टी में मतभेद होने की बात स्वीकार कर रहे हैं। और यमुनानगर पहुंची राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने इसे स्वीकार करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हल्ला बोला है और शैलजा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार को भी एक दिखावा करार दिया। देखिए एक रिपोर्ट। यमुनानगर में कांग्रेस नेता सतीश सेजली के निवास पर पत्रकारों से बातचीत में राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा ने मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार को अपनी नाकामी छुपाने के लिए की गई लीपापोती करार देते हुए कहा कि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने हैं, इसीलिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है कि शायद इन्हें वहाँ कुछ मिल जाए। शैलजा ने कहा कि आज जनता बीजेपी की असलियत जान चुकी है और वह इनसे दूर जा चुकी है, आगे इन्हें हर जगह हार का ही मुंह देखना पड़ेगा। केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए शैलजा ने कहा कि सरकार अनुभवहीन तो थी, साथ में उनकी सरकार चलाने की मंशा भी नहीं थी, यह तो केवल मंत्रियों को मोहरे बनाते थे। आज सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। वाइट कुमारी शैलजा कि इनकी सरकार हर फ्रंट पर फेल है और उसके ऊपर लीपा पोती करने के लिए इन्होंने ये दिखावा किया है। आगे कुछ राज्यों में चुनाव आ रहे हैं तो इन्हें लगता है कि शायद इस तरह का दिखावा करके इन्हें कुछ मिले, लेकिन ये जानते हुए कि जनता इनसे दूर हो चुकी है तो उसके ऊपर एक लीपा पोती करने की कोशिश की है। लेकिन जनता इनकी असलियत जान गई है और अब ये चाहे कुछ भी करें, कुछ भी दिखावा करें, जनता इनसे दूर जा चुकी है और आगे इन्हें हर जगह हार का मुंह देखना पड़ेगा। हरियाणा कांग्रेस में बिखराव पर शैलजा ने कहा कि पार्टी में बिखराव नहीं है। हालांकि उन्होंने मतभेद के होने की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि इस बात को पार्टी प्रभारी कमलनाथ ने भी स्वीकार किया है और उनके नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस एकजुट होकर जनता की आवाज को उठाएगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आरएसएस ऑफिस नागपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में वैचारिक महाकुंभ का आयोजन किया गया था
और स्वैचारिक महाकुंभ का आरंभ आरएसएस संचालक ने किया था और समापन देश के पीएम मोदी ने किया था। चौहान ने आगे कहा कि स्वैचारिक महाकुंभ में कुल 51 बिंदु ऐसे निकले थे जिनके पूरी दुनिया को भेजा गया। उनमें से कुछ ऐसे बिंदु है जिन पर हमें काम भी करना है। और शिवराज ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश लोगों के जीवन में कैसी खुशी लाए और उसके लिए एक अलग मंत्रालय का गठन भी कर रहा है और जिसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस है। का प्रारंभ परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने किया था और समापन भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उसमें 51 बिंदु ऐसे निकले कि जिन पर जिनको पूरी दुनिया को भेजा गया है। 51 अलग अलग मुद्दे हैं जिसको हमने पूरे देश को बताया। संयुक्त राष्ट्र संघ को भी उन मुद्दों को संयुक्त के डिक्लेरेशन को भेजा, सभी देशों के राज्य राष्ट्र प्रमुखों को भेजा, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भेजा। लेकिन उसमें से कई बिंदु ऐसे कि जिस पर हमको काम करना है। उस समय संघ शिक्षा वर्ग चल रहा था तो परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के साथ बात हुई थी कि उसके बाद एक बार 51 बिंदुओं पर चर्चा करके उसमें से किस किस पे क्या काम किया जा सकता है देश में और प्रदेश में, उस पर चर्चा करनी थी। उसी चर्चा के लिए आया था। और कई काम ऐसे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, लोगों की जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता कैसे आए इसके लिए मध्य प्रदेश एक नया मंत्रालय बना रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस। तो उसके संबंध में खूब विचार विमर्श और चर्चा हम लोगों ने की है और इन कामों को आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक तरफा प्यार में पागल एक आशिक ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर डाली और प्यार में नाकाम होने पर इस आशिक ने सरेआम सड़क पर तमंचे से लड़की की जान ले ली और हत्या कर भाग रहे इस शख्स को भीड़ ने पकड़कर जमकर पीटा और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। देखिए एक रिपोर्ट। उन्नाव के अक्रमपुर बाजार के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक सिरफिरे आशिक ने एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अक्रमपुर की रहने वाली लड़की ईद की खरीदारी के लिए बाजार गई, तभी आरोपी इस्माइल जो पिछले कई दिनों से लड़की को परेशान कर रहा था लड़की से शादी करने की बात करने लगा। लड़की के शादी से इनकार करने के बाद बौखला इस्माइल ने तमंचे से लड़की के सिर में गोली मार दी। लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या करने के बाद भाग रहे आरोपी इस्माइल को भीड़ ने पकड़ लिया और जमकर पीटा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी इस्माइल को भी घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की पूछताछ कर रही है। एक अक्रमपुर गांव है, वहां पर एक महिला निकल रही थी घर से बाहर, निकलने के बाद एक व्यक्ति ने उसको इकट्ठे से गोली मार दी। उनके बीच कुछ बातचीत हुई और गोली मार दी और उसके बाद जो है पुलिस पहुंची तत्काल और उसको जो है अस्पताल पहुंचाया, मरीज को भी गिरफ्तार कर लिया गया, उसके भी चोटें हैं। और ये दूर का रिश्तेदारी था, ये भी लड़का हरदोई का सावा क्षेत्र का रहने वाला है। तो इनका कुछ बताया जा रहा है कि वो शादी की बात कर रहा था कि शादी की जरूरत नहीं करो, तो मना कर दिया था कि कुछ हमारा वादा नहीं है। तो अभी तक फिलहाल प्रथम दृष्टया ये मामला लग रहा है, मुझे गिरफ्तार हो गया। और पाकिस्तान के प्रतिबंधित जमात उल दावा के प्रमुख और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने ईद के मौके पर एक बार फिर भारत और अमेरिका के खिलाफ जमकर जहर उगला और हाफिज सईद ने कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े युद्ध की तैयारी में है। हाफिज ने अपने संबोधन में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी के लिए अमेरिका और भारत ने जमकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसी कड़ी में अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ अपने ड्रोन को भारतीय एयरपोर्ट पर खड़े कर रहा है। गौरतलब है कि पिछले महीने मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद ने पंजाब प्रांत के श्यालकोट में एक रैली के दौरान कहा था
कि भारत से नदियों को मुक्त कराने के लिए जिहाद छेड़ा जाएगा। और महज 251 रुपए की कीमत का दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल फोन फ्रीडम 251 बनाने वाली कंपनी रिगिंग बेस्ट डिलीवरी की शुरुआत करेगी। और पहले कंपनी ने 30 जून से डिलीवरी शुरू करने की बात कही थी, इसके बाद इसे 7 जुलाई कर दिया गया था। बता दें कि फ्रीडम 251 खरीदने के लिए करीब 7 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। रिगिंग बेल्स के मुताबिक इतनी बड़ी संख्या में हुए रजिस्ट्रेशन और फोन की यूनिट्स कम देखते हुए इसका फैसला लिया गया। रेलवे टिकट की कालाबाजारी रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए भारतीय रेलवे ने कठोर कदम उठाने की सोची है, और जिसके तहत रेलवे टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आधार से जोड़ने की तैयारी हो रही है। यानी कि अब बिना आधार कार्ड के ट्रेन की टिकट बुक नहीं की जा सकेगी। खबर के मुताबिक इस योजना को 2 चरणों में लागू किया जा सकता है। पहले वरिष्ठ नागरिक, स्वतंत्रता सेनानियों और दिव्यांगों जैसी आरक्षित छूटों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया जाएगा। रेलवे मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक प्रथम चरण के लिए नीति 15 दिन में स्वीकार और लागू होगी। और बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को उनकी रेप की शिकार महिला जैसा महसूस करने वाली आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कोई राहत नहीं मिली है, और महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने सलमान खान को पेश होने के लिए कहा है। आयोग ने सलमान को 29 जून को समन जारी कर हाजिर होने के लिए कहा था। इससे पहले हाजिर नहीं होने के बाद आयोग ने इस मुद्दे पर बॉलीवुड स्टार से अपनी स्थिति साफ करने को कहा। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने पेशी के लिए नई तारीख देने से इनकार कर दिया है। और अगले महीने होने वाले ओलंपिक के लिए रियो जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों को खेल गांव में भारतीय व्यंजनों का स्वाद भी मिलेगा। और खेल मंत्रालय ने बताया है कि कुछ खिलाड़ियों ने खेल गांव में भारतीय भोजन की मांग की थी। खेल सचिव राजीव यादव ने कहा, हमें रियो ओलंपिक के आयोजकों ने पुष्टि की है कि हमारे खिलाड़ियों को पूरे खेलों के दौरान भारतीय खाना परोसा जाएगा और ये खेलों के आधिकारिक मेन्यू का हिस्सा होगा। और उन्होंने कहा कि मैं भारतीय खाने की प्राथमिकता को लेकर कुछ खिलाड़ियों का आग्रह मिला था। खिलाड़ियों को अगर रियो में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है तो सही भोजन मिलना जरूरी है। और फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार।